नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपन को स्वागत। वर्तमान भारत एगेंस्ट रे 57 देश एकाठी होती जम्मू काश्मीर इश्यू को लेकिन कि जम्मू काश्मीर मुद्दा को लेकिन अफकोर्स 57 देश जाक होती इस्लामिक देश से चाहूँ कि जम्मू काश्मीर को एक्चुअली जो पाकिस्तान डिमांड अच्छी से जिनस पाकिस्तान को मिल जाऊ कौन एक्चुअली भारत प्रतिक्रिया रही डेफिनेटली बहुत इंपोर्टेंट जिन बुझाप चेषा कर। द प्रिंट आर्टिकल ओआईसी डेलीगेशन पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर विजिट स्पार्क्स रू कथा कौन ना रिसेंटली एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन मीटिंग हला। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन तार हेडक्वार्टर होची साउदी अरब जेद्दा। ये समस्त एक्चुअली 57 जो आम कहीपर मुसलिम देश अच्छा इस्लामिक कंट्री अच्छा से मैंकि कोऑपरेशन मीटिंग रे विभिन्न प्रकार चर्चा हुए कि मुसलमान माने कि इस्लाम धर्मर लोक माने कौनसी जगह प्रतारित होना तो किर इकोनोमिक स्टेबिलिटी ठीक ठाक अच्छी तो हेल्थ कंडीशन कि बाकी एजुकेशन ये सब जिन ठीक ठाक अच्छी तो ठार बढ़ के आम कहीपर वर्तमान जो मीटिंग होता से मीटिंग पर एक्चुअली आम कहीपर जो प्रेसीडेट थे कि जेनेल सेक्रेटरी थे हासीम ब्राहीम सी एक्चुअली आसते कौटिक फटो देखिपड़ी सी आसते कौटिक ना पाकिस्तान भिजिट करने पाकिस्तान पहुँचीगले तो पाकिस्तान पहुँचे भारत पर किसी प्रॉब्लम नाला बट पाकिस्तान जाकि कौटी पहुँचे पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर कि जोटा को पाकिस्तान कहे आजाद काश्मीर बोली तो सही पहुँचले भी किसी प्रॉब्लम से ना बट सी जो आम कहीपर जो प्रकार कम्युनिकेशन कर मीडिया रे बाइट रखिंट से निश्चित पर भारत पर गोटे बहुत प्रॉब्लम जिन कौन कही ना आम जहाँ सिचुएसन बर्तमान देखुचु आजाद काश्मीर कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर जो 57 देश अच्छा इस्लामिक कोऑपरेशन तो से 57 देश मिसिकी गोटे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन पास करवा जमीती होना कहीं कि जो जिनस पाकिस्तान चाहूँगी कि आम कहीपर 370 आर्टिकल कथा कहु कि आम कहीपर अलग कौन प्रकार जो जम्मू काश्मीर भारत उपतिर हो जाऊ कि अलग कौन प्रकार जिन जोटा कि चाहूना किए पाकिस्तान चाहूना तो से ही जिनसटा को एक्चुअली हटेबापी ये जो इस्लामिक कोऑपरेशन लो एक्चुअली मेन धर्म बोली जो भाई साहब प्रेसिडेंट कहते इब्राहिम साहब सी कहते देखते कथ उठू ये जो 57 देश अच्छा ना ये 57 देश भितर भी साउदी आरब जोटी क्या हेडक्वार्टर अच्छी बांग्लादेश होगा बाकी आप जानते इंडोनेशिया मलेशिया एमाने भी भारत भल बंधु ता माने नुहे समस्ते चाहूँ कि जम्मू काश्मीर एगेन्स्ट भारत किसी कथ कह देखु भारत सीधा सीधा ये कही भारत पाकिस्तान भितर सिमला एग्रीमेंट से सिगला सिमला एग्रीमेंट रे भारत पाकिस्तान दुई जन जाक एग्रीमेंट होती कथा होती कि जितेबले भी आम काश्मीर इश्यू उठेबा आम दुई जन बसिक सल्व करवा ये थर्ड पार्टी कौन सी लोक उठेबे ना तेणु यहीटा जो बर्तमान ओआईसी काम करना यहाँ पाकिस्तान संस्था भाया आमको लगुच सीधा सीधा कही कि ना एस जयशंकर केवल ये नुहे रिसेंटली पाकिस्तान यही कथाटा को लेकिन यूनाइटेड नेशन उठी सेठी भी आम कहीपर एस जयशंकर जी प्लस आम जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अच्छे रुचा तो सी एक्चुअली ये जिनस कही कि पूरा विश्व रे पाकिस्तान तो सन्त्रासवादी तैयारी पूरा विश्व सामने कि यूनाइटेड नेशन सामने पैंडामिक भाया सिचुएसन अच्छी क्लाइमेट चेंज भाया कथा अच्छी बाकी इंपोर्टाट मल्टीलैटरलिज्म कथा अच्छी प्लस आम कहीपर रशिया यूक्रेन कथा अच्छी ये सबू कथा न उठे कि पाकिस्तान ता निज देश कथा कि जिनस जो पाकिस्तान काश्मीर कथा से कथा को लेकिन उठाऊँ यूनाइटेड नेशन बिल्कुल यहाँ ठीक नुह अफकोर्स ये जिनस एक्चुअली जब किसी कहार अच्छे पाकिस्तान डायरेक्ट आम सहित कथा होबार अच्छे कारण आम ऑलरेडी एग्रीमेंट अच्छे सिमिलर एग्रीमेंट कि ये रिलेटेड कथा आम एक्चुअली पर्सनाल कथा हबु थर्ड पार्टी कई इनवल्व हो पारे ना तेणु बर्तमान जो ओआईसी कहूँ ना भारत एक्चुअली मुसलिम पपुलेसन बहुत अच्छा आम जी रिपोर्ट देखा ना 2060 सदा एक भारत विश्व रे वर्ल्ड रे नंबर वन पॉपुलेशन हम वर्तमान नंबर थ्री पॉपुलेशन अच्छा मुस्लिम रे तेणु भारत भी हवा योग्य कौटी ना ओआईसी रे मेंबरशिप बट है ना कहीं ना पाकिस्तान बहुत समय रे एक्चुअली ऑब्जेक्शन लगोची कि भारत को एठी मेंबर करिवा ना तेणु कथाटा चिंता करूँ जेहेतु ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम मानकर इस्लाम धर्म एक्चुअली प्रचार पर जिन करें कहीपर कौन ताक सुरक्षापी करा बट से ही जगह भारतर एत मुसलिम भाई भी अच्छा पावर दिहनी पाकिस्तान ता निजर स्वार्थपाई तेणु अफकोर्स भारत जो प्रकार बर्तमान कथा कही पाकिस्तान माउथपीस कौटा ओआईसीटा तो सीटा किसी भूल नुहे अफकोर्स ये जिनस के पसबल नुह पाकिस्तान जो कथ कह बट डायरेक्ट कथ न कह इनडायरेक्ट जो भाया आम कहीपर ओआईसी पाखे हो जाऊ कि यूनाइटेड नेशन पाखे हो जाऊ यार एक्चुअली सल्यूशन सेमती नुहे।
ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି। ଏଥିରେ ପର୍ସନାଲ ମତାମତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।